आप देख रहे हैं BHBC News। नमस्कार, मैं हूँ विपिन विभाग, स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार अब आखिरी दौर में है। बहुजन समाज पार्टी हर बार की तरह इस बार भी सबसे ज्यादा फोकस चंबल अचर में कर रही है। ऐसे में आखिरी दौर में यूपी की पूर्व सीएम और बसपा सुप्रीमो मायावती ने चंबल में ही सबसे ज्यादा सभाएं की हैं। मायावती ने भिंड और मुरैना जिले में सभा करते हुए पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगे हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर ही जमकर निशाना साधा है। मायावती ने भिंड में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी संजीव सिंह कुशवाहा संजीव के पक्ष में नई गल्ला मंडी में सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश की BSP सरकार ने गरीबों दलितों के हित में काम किया था, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में भी BSP की सरकार बनवाएं और दलितों और गरीबों तबकों के लिए BSP सरकार ही काम कर सकती है। यह आज आप लोग किसी अन्य दलों के प्रलोभन में ना आते हुए बहुजन समाज पार्टी को ही वोट करें। उन्होंने कहा कि इस बार सरकार BSP ही बनाएगी। मुरैना में भी मायावती ने जिले की सभी विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार किया। उन्होंने कहा है कि हमने BSP से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखते हुए उसी अनुपात में सर्व समाज को टिकट दिया। मायावती ने कहा कि पूरे देश में BSP ही एक अकेली ऐसी पार्टी है जो विरोधी पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों की आर्थिक मदद से नहीं, बल्कि अपनी पार्टी के ही आम कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से चुनाव लड़कर केंद्र और राज्य की सत्ता में आना चाहती है, ताकि हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद फिर बिना किसी दबाव के आजाद होकर सर्व समाज के लोगों की समस्याओं का समाधान करके उन्हें हर मामले में व्यवहार स्तर पर खुशहाल बना सके। आपको बता दें, 2018 के विधानसभा चुनाव में बसपा को सूबे में 2 सीट मिली थी, जिसमें 1 सीट चंबल अचल से ही थी। हालांकि बसपा कई सीटों पर किंग मेकर बनकर उभरी थी, ऐसे में बसपा का इस बार भी सबसे ज्यादा फोकस चंबल में ही है। बसपा ने चंबल में BJP और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के बागी नेताओं पर दाव लाया है। ऐसे में बसपा इस बार चंबल में क्या रोल निभाती है, ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं, और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।